हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के इस दुनिया में आपका फिर से स्वागत करने आ गया आपका दोस्त सत्यम द पैशनेट। दोस्तों आज हम एमएस वर्ड में सीखने जा रहे हैं शेप। दोस्तों अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस टेबल के ऑप्शन को आपने नहीं सीखा है तो आप टेबल भी जाके सीख सकते हो, पूरी एमएस वर्ड आप सीख सकते हो। ऊपर में आई बटन का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों अगर कोई डाउट आपको इसमें दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तभी मैं आपके पास पहुँच पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सेव को समझते हैं, विंडोज बटन प्रेस करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आपके सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों अब हम सीखते हैं सेव ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेव है, ठीक है, इसको हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कोई भी हम एक सेव ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास सेव देखिए अनेक प्रकार के लाइन से संबंधित सेव है, बेसिक शेप्स हैं, फिर उसके बाद एरोज की मतलब कि जो तीर टाइप का शेप है, उसके बाद चार्ट टाइप का और कॉल आउट टाइप का और स्टार बैनर्स। तो हम किसी एक को लेके चलते हैं दोस्तों, इसको ले लिया हमने, और इसको लेने के बाद इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। दोस्तों देखिए ड्रॉ करने के बाद आपके सामने बहुत सारे इसके अंदर सिम्बल्स दिखाई देंगे, उसको सीखना है दोस्तों कि क्या सिम्बल का मतलब होता है। देखिए इस सिम्बल यहाँ पे जो अप में है, इससे आप क्या कर सकते हो, इसको बड़ा छोटा ऊपर की ओर देखिए बड़ा या छोटा हाइट को कर सकते हो इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हो गया, ये देखिए इससे, और अगर इससे करना है तो यहाँ से भी इसको इधर और इधर कर सकते हो दोस्तों, इस तरह से इधर इस तरह से इसका आप चौड़ाई को कर सकते हो दोस्त, आसानी से चौड़ाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये देखो आप हाइट को कर सकते हो मैनेज इससे। उसके बाद अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ से देखो यहाँ पे भी एक डॉट टाइप का आपको दिख रहा है, बिंदु टाइप का, जब इस पर क्लिक करोगे तो इसको आप इस तरह से बढ़ा सकते हो और यहाँ से इसे घटा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ से घटा सकते हो, आसानी से, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। सभी को समझना है दोस्तों, क्योंकि आप ये नहीं समझोगे तो सेप ही आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए सभी कॉर्नर पे एक छोटा छोटा बिंदु दिया है, यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप ऐसे घटा सकते हो, यहाँ भी दिया है देखिए दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ से इसे घटा सकते हो। अब ये क्या है, ये जो है दोस्तों इसको बोलते हैं चेंजिंग, जो आपका सेप है उसको आप अलग रूप में चेंज कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे येलो टाइप का जो ये दिख रहा है, इसका मतलब कि ये शेप को चेंज करेगा और इसका शेप में परिवर्तन करेगा। देखिए यहाँ पे येलो टाइप है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे शेप में परिवर्तन कर दिया, देखो इस तरह से, देखा ना कैसे किया। उसके बाद फिर से इस पर जाओ, किसी भी तरह का शेप कोड लेकर आप ट्राई कर सकते हो। देखो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता है, आसानी से अपने जिस तरह का शेप है उस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। जहाँ जहाँ आपको पीला दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे पीला टाइप का एक डॉट दिखाई देगा, जहाँ जहाँ आपको डॉट दिखाई देगा वहाँ से आप दोस्तों आसानी से अपने शेप को चेंज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ जहाँ आपको पीला दिखाई देगा, देखिए जैसे पीला दिखाई देगा, देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि आप अपने शेप में चेंजिंग कर सकते हो, इस तरह से करना, देखो इस तरह से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसमें एक और चीज़ बता देते हैं दोस्तों, ये क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे हरा टाइप का, ये क्या करता है, जैसे इस पे जाओगे तो देखो इस तरह से चेंज हो गया। इस तरह से चेंज करने का मतलब है कि आप अपने शेप को नचा सकते हो। कैसे नचाना है, देखिए इस तरह से नचा सकते हो, इस तरह का रखना है, देखो इस तरह से। फिर इस पे जाओगे, देखो जिधर चाहे उधर आप नचा सकते हो, अपने माउस को ऐसे घुमाना है, जिस तरह से ऐसे घुमाओगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो ऐसे जाएगा, जैसे चाहे वैसे आप घुमा सकते हो, इस तरह से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से रोटेशन के लिए दिया हुआ है, इसका मतलब ही होता है रोटेट कर देना। ठीक है, जो भी आपके शेप है उसको आप रोटेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं शेप स्टाइल। देखिए दोस्तों जो भी हम शेप ड्रॉ करते हैं उसका एक शेप स्टाइल्स होता है। देखिए इस पर आप कोई भी स्टाइल दोस्तों आप यहाँ से चुन सकते हैं दोस्तों, आसानी से कोई चाहिए। यहाँ पे जैसे देखिए आपको ड्रॉप डाउन एरो है, मोर और भी आपको मिल जाएगा, तो आपको जो चाहिए दोस्तों आप यहां से चूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहां पे भी आपको कोई डाउट देखने को मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैं आपको एकदम रिप्लाई करूंगा दोस्तों, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको रिप्लाई करूँगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये समझते हैं शेप फील। ये तो ये खुद का बनाया हुआ है कि स्टाइल्स दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि शेप में फील हम खुद से करें। यहाँ पे सेव फील पर क्लिक करोगे और जो कलर आपको चाहिए दोस्त, जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो दोस्तों। कोई भी कलर आप ले सकते हो, यहाँ से नहीं चाहिए नो फील पर क्लिक करोगे, मोर फील कलर पर जाओगे तो यहाँ से आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, और यहाँ से ये कस्टम हुआ खुद से बना सकते हो, और यहाँ एक्सटेंडर है, स्टैंडर्ड को भी यूज करके कोई भी कलर आप यहाँ ले सकते हो। और यहाँ पे आपको देता है ट्रांसपेरेंसी, कलर की ट्रांसपेरेंसी को कम या बेसी कर सकते हो दोस्तों, और इसको ओके कर लीजिए, देखिए कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये हो गया आपका सेफ फील।
ओके दोस्तों, तो इससे फिल में आपको ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी आप फिल कर सकते हो कलर। उसके बाद पिक्चर, आप सेफ फिल में चाहते हो एक पिक्चर फिल करने के लिए, तो वो भी आप पिक्चर को भी फिल कर सकते हो दोस्तों। कोई भी आप पिक्चर चुन लीजिए, तो हम यहाँ से अपनी ई ड्राइव से कोई भी एक पिक्चर को हम चुन लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से एक पिक्चर को ले लेते हैं दोस्तों, कोई भी एक पिक्चर। तो बहुत सारे हमारे पास पिक्चर है, तो मान लीजिए हम इस पिक्चर को लिए और यहाँ से इंसर्ट कर लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो दोस्तों, अपनी सेफ में एक पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेडियंट, टेक्सचर और पैटर्न हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बात करना सही नहीं होगा दोस्तों। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सेफ पे काम करते हैं, सेफ के अंदर हम कैसे फिल कर सकते हैं, और सेप को अलग अलग रूप से कैसे फिल कर सकते हैं, और साथ में सेप को हम कैसे रोटेट करा सकते हैं, कैसे उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, और साथ में उसमें पिक्चर कैसे फिल कर सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर यहाँ पे आपको डाउट लगा तो कमेंट करें, जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके पास शेयर करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जितना ही आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून माई फ्रेंड्स।